चाहते हो आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपका दोस्त एम गोचर। आज मैं आपको गणित के कैप्चा कोड भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। हमारा एक पिछला वीडियो था कि कैप्चा कोड कैसे भरे, उस वीडियो पर मेरे पास कई भाइयों का कमेंट आ रहे हैं, वो बता रहते हैं कि सर हमें गणित वाले कैप्चा फिल कैसे करना है, ये हमें कंप्लीट प्रोसेस बताया जाए। तो आज मैं आपके लिए वही प्रोसेस लेकर आया हूँ। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसमें भी हमने बहुत सारे कैप्चा कोड भर के बताए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाते हैं। ये कैप्चा कोड भरना बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर अगर इन दोनों संख्या के बीच में माइनस का चिन्ह है तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करनी है, या फिर वो माइनस में बचे या प्लस में बचे। अगर इन दोनों संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको इन दोनों संख्या को जोड़ के इस टाइप डिब्बे वाले में टाइप कर देना है, फिर उसके बाद में सबमिट करेंगे तो आपका आंसर कोड सही होगा। यहाँ पर अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो जहाँ जहाँ भी कैप्चा आता है वहाँ पर ऐसा री कैप्चा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। इस वाले री कैप्चा वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके नया कैप्चा ले सकते हैं। नया कैप्चा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस में भी आ सकता है और माइनस में आ सकता है। जब तक आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आए तब तक आप यहाँ से री कैप्चा कर सकते हैं। वैसे अपन ये समझ में आसानी से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये आप समझ में आपके नहीं आया होगा। अगर आप 41 में से 90 माइनस करते हैं तो आपके सामने यहाँ जो भी संख्या बचेगी वो माइनस में बचेगी। अगर आप यहाँ पर माइनस टाइप करके और सबमिट नहीं करेंगे तो आपका ये कैप्चा कोड गलत बचाएगा। अगर आप इसमें माइनस जैसे यहाँ से माइनस डालेंगे और आप फिर बाद में संख्या डालेंगे तो इस सही कैप्चा बताया जाएगा। इस प्रकार से दूसरा कैप्चा की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार का कैप्चा आ जाता है। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बचेंगे, आप इसको सबमिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप 42 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे हिसाब से तो 20 ही बचेंगे भाई, सॉरी 22 बचेंगे और सबमिट कर देंगे। ये पर देख लीजिए हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से फिर हम री कैप्चा करेंगे। इस प्रकार से आप कैप्चा भर सकते हैं। कैप्चा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप कैप्चा बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। बस ये कन्फ्यूजन था कि कैप्चा कैसे भरे, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलते साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।